नीट एग्ज़ाम को लेकर एक बड़ी न्यूज़ आई है। बड़ी तो क्या, आप गवर्नमेंट जो है उन्होंने मीटिंग की है इंडिया के अंदर जो बड़े एग्ज़ाम है उसको कंडक्ट कराने के बारे में, और उन्होंने एक ड्राफ्ट पास किया है। और ड्राफ्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, देखिए बेसिकली जो मीटिंग होती है उनका सबका मिला करके जो डिसीजन होता है उसी को हम ड्राफ्ट बोल देते हैं, ठीक है, ये टेक्निकल लैंग्वेज है। उसके अंदर क्या उन्होंने डिसीजंस लिए हैं और क्या वो सोच रहे हैं और क्या उनकी आगे की रणनीति है, उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करूँगा। देखिए इसके बारे में इन्फॉर्मेशन आपको इंटरनेट के ऊपर अभी नहीं मिलेगी, लेकिन जो गवर्नमेंट की मीटिंग है उसके अंदर ये तय हुआ है। अभी ड्राफ्ट जो है उसके आगे पास होगा, उसके बाद में जो है इन्फॉर्मेशन सारी आपके पास आ जाएंगी। देखिए इस मीटिंग या इस ड्राफ्ट के अंदर जो है कुछ बड़े एग्जाम जो कि नीट एग्जाम है, जेईई मेंस है और कुछ और बड़े एग्जाम्स हैं, उनके बारे में पूरे एनालिसिस किया गया कि इसको कंडक्ट कैसे करवाया जाए। लेकिन इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये है कि आपका एग्ज़ाम जो है वो नीट एग्ज़ाम है, उसके अंदर 15 से 16 लाख बच्चे जो है एक साथ बैठते हैं और उस एग्ज़ाम को जो है ऑनलाइन भी कंडक्ट नहीं किया जा सकता। उन्होंने ये एडवाइजरी जारी की है कि देखिए एक रूम के अंदर जो है 50 से कम स्टूडेंट्स ही होने चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। और अब देखिए इसके ऊपर तो पूरा एनालिसिस किया जाएगा, लेकिन देखिए दूसरी दो पॉइंट और हैं कि इस एग्ज़ाम्स को जो है, पहले बात तो मई के एंड में जो NTA ने बोला कि हम एक्सपेक्टेड हैं कि मई के एंड के अंदर सब कुछ ठीक हो जाएगा और ये एग्ज़ाम करा दिया जाएगा। अब देखिए जेईई मेंस के लिए तो प्रॉब्लम इतना नहीं है क्योंकि उसके अंदर ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है और शिफ्ट में डिवाइडेड है और 6 दिन में ये एग्ज़ाम हो जाता है, ठीक है। लेकिन बेसिकली प्रॉब्लम इसकी नीट एग्ज़ाम की है कि ऑफलाइन है, इसका मतलब ये है कि सारे बच्चे जो है एक साथ इकट्ठा होते हैं और उनके बीच में डिस्टेंस भी बहुत कम होती हैं। अब देखिए इसके अंदर बड़ी प्रॉब्लम ये भी है कि जिन स्टूडेंट्स को अपने सिटीज़ के अंदर ही अगर सेंटर मिल जाएगा उनका तो ठीक है, लेकिन जिनको बाहर जाना पड़ेगा क्योंकि ट्रांसपोर्ट सिस्टम चाहिए होंगे, अगर वो स्टार्ट कर देंगे तो फिर बहुत सारे लोग इकट्ठा होंगे और वहाँ पर कोरोना फैलने का पूरे चांसेस बन जाएंगे। ये सारी प्रॉब्लम को देखते हुए पहला बात तो ये हो गया कि आपके मई एंड के अंदर एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाना बहुत मुश्किल है। और देखिए एग्ज़ाम को आगे डिले भी नहीं किया जा सकता बहुत ज़्यादा, क्योंकि देखिए आपके जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट वगैरह होते हैं, ठीक है, बड़ी चीज़ें हैं। मेडिकल एग्ज़ाम एक बहुत बड़ी चीज़ है, मेडिकल कॉलेज के अंदर एडमिशन दिलाना बहुत बड़ी चीज़ है। अभी जो गवर्नमेंट सोच रही है इसके बारे में आपको पहले बोल दिया था कि गवर्नमेंट जो है ऐसा कर सकती है कि नंबर ऑफ़ सेंटर्स जो है इंक्रीज़ कर दे। तो अगर नंबर ऑफ़ सेंटर्स इंक्रीज़ हो जाए तो आपके हो सकता है कि मई एंड के अंदर आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवा दिया जाए। उसके बाद में देखिए उन्होंने डिसीजन ये लिया है कि जब तक कोरोना जो है स्टेज 1 में ना पहुंच जाए। देखिए स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 का मतलब क्या होता है आपको मालूम होगा कि जो इतने पेशेंट अगर इतने पर एरिया से मिलते हैं तो इसका मतलब ये होता है जैसे जैसे बढ़ता जाता है रेशियो आपका स्टेज बढ़ते जाते हैं, अगर जैसे जैसे कम होता जाएगा वापस से तो स्टेज भी 4 से 3 से फिर 2 से फिर 1 पे आ जाएगा। तो उन्होंने ये निर्णय लिया है या फिर डिसीजन लिया है कि अगर स्टेज 1 आ जाता है उसी के ऊपर जो है कॉलेजेस और स्कूलेस जो हैं वो खोले जाएंगे। अगर स्कूल और कॉलेज और सिस्टम ये जो होंगे ये नहीं खुलेंगे तो एग्ज़ाम कैसे हो पाएगा ये भी आपको मालूम होगा। तो अगर एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाना है तो स्टेज 1 का आना बहुत ज़रूरी है। अभी जो है वो हम आगे बढ़ चुके हैं, अब बात हो रही है पीछे आने की। अब पहले तो इसको रोका जाए उसके बाद में हम बात करेंगे पीछे आने की। तो जब तक ये रुका नहीं जाता तब तक हम कुछ कह नहीं सकते कि एग्ज़ाम होगा। जब ये वापस पीछे आकर स्टेज 1 पे पहुंचेगा उसके बाद नहीं होगा। और उसके ऊपर भी ये हो गया कि बहुत सारे जो राज्य वगैरह हैं वो जो स्टेट्स वगैरह हैं वहाँ पर सबके ऊपर जो है स्थिति साफ होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई महाराष्ट्र के अंदर तो हालात बहुत ख़राब है, दिल्ली के अंदर साफ हो गए तो एग्ज़ाम को करवा दो। सारे ही जितने भी स्टेट्स हैं सबकी हालात अगर एक साथ सही हुए तभी एग्ज़ाम को पॉसिबल कंडक्ट कराना पॉसिबल होगा, वरना एग्ज़ाम को कंडक्ट कराना पॉसिबल है ही नहीं। और मेनली अगर आप स्टूडेंट की बात करें तो देखिए महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है, आपका MP है, आपका राजस्थान सबसे बड़ा है, इनके अंदर जो स्टूडेंट्स होते हैं नंबर ऑफ़ स्टूडेंट नीट एग्ज़ाम के बहुत ज़्यादा होते हैं और यहाँ से सबसे ज़्यादा जो है कोरोना की प्रॉब्लम आ रही है। और तमिलनाडु में भी काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं, वहाँ पर भी देखिए कोरोना बहुत ज़्यादा फैल चुका है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि भाई आपके हरियाणा में जो है कोरोना नहीं होता फिर नीट एग्ज़ाम करा दिया जाए, या फिर उत्तर प्रदेश में कोरोना नहीं तो करा दिया जाए, बिहार में नहीं तो करा दिया जाए। देखिए पूरा स्टेट पूरा इंडिया जो है अगर सेफ होगा तभी एग्ज़ाम आपका हो पाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में जो डिले है वो इंक्रीज़ होता ही जाएगा।